फिर चलो बच्चों, आज हम कक्षा पांचवी का नंदनवन ए पार्ट अभ्यास करने वाले हैं। देखो नंदनवन, पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। आपको मैं कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ, देखो ये है, दिखाई दे रहा है आप सबको क्या क्या लिखा है, कौन कौन से प्राणी है यहाँ, दिखाई दे रहा है कुछ आपको, दिखाई दे रहा है ना ये सब मैं क्या क्या दिखा रही हूँ आप सबको, ध्यान से देखो। हाँ, मैं आपको कुछ पूछने वाली हूँ इसके ऊपर, अच्छे से देखो फिर बोलो मत मुझे। देखो, हरियाली में खुशहाली प्रणाम। देखो तो कुछ लिखा है कुछ और, जल ही जीवन है नमस्कार आओ खेलो, दिखाई दे रहा है। और कुछ बहुत सारे प्राणी है ना यहाँ, है ना, वैसे ही आज हम इस नंदनवन का अभ्यास करने वाले हैं। बच्चों देखो, बच्चों आपको एक तोता दिखाई दे रहा है ना, देखो उस चित्र में क्या है, नमस्ते। तोता क्या बोल रहा है, नमस्ते कह रहा है, हमारा स्वागत कर रहा है, हमें भी एक दूसरे से मिलने पर नमस्ते कहना चाहिए, जैसे हम हाय हेलो ऐसे बोलते हैं, है ना, मोबाइल पर भी हाय डालते हैं नमस्ते डालते, वैसे भी तोता बोल रहा है हमें भी नमस्ते तो करो, हम भी आपके साथ हैं, है ना, वैसे ही हमें एक दूसरे को नमस्ते कहना चाहिए, ये तोता हमें मैसेज दे रहा है ना, वैसे ही। और देखो चित्र में एक तितली उड़ रही है ना, वो भी हमारा क्या कर रही है, स्वागत कर रही है, आओ चलो हमारे साथ, हम भी आपका स्वागत करते हैं, है ना, हमें भी घर जाने घर। अच्छा जो तितली है वो भी हमारा क्या कर रही है, स्वागत कर रही है। देखो यहाँ एक खरगोश है, वो क्या बोल रहा है, हमें नाचो गाओ सबके साथ अच्छा रहो, हम सब सबके साथ रहेंगे, जैसे एक साथ सब गाते हैं झूमते हैं आते जाते हैं। देखो नीचे भी लिखा है हम सब साथ हैं, दिखाई दे रहा है ना आपको। बच्चों आपको दिखाई दे रहा है ना, स्वागत करो मतलब हमारे घर पे आने वाले मेहमानों को क्या करो, आप स्वागत करो, सबके साथ अच्छा रहो, है ना, हमें भी घर आने वाले मेहमानों का क्या करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। अब देखो ये आपको हाथी दिखाई दे रहा है ना, ये हाथी कतार में चलो, कतार में चलो मतलब हमें बोल रहा है कि एक साथ एक लाइन में चलो, हमें अनुशासन सिखा रहा है, एक साथ लाइन में चलने का संदेश दिखा रहा है, अनुशासन बनाए रखने के लिए कतार में चलना क्या है आवश्यक होता है। नीचे देखो ये खरगोश क्या कर रहा है, ये खरगोश नाच रहा है गाना गा रहा है, ये भी हमें खुश रहने का संदेश दे रहा है। इस तरह इस चित्र में दिखाए जाने वाले सभी जानवर हमें क्या कर रहे हैं, कुछ न कुछ संदेश हमें दे रहे हैं, हम सब एक साथ हैं, हमें पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें पौधे लगाना चाहिए, पेड़ों को बचाना चाहिए, इसलिए हमें इस नंदनवन से क्या मिलते हैं, यही सीख मिलती है कि हम सब एक साथ रहते हैं तो हमारा परिवार कैसा है, नंदनवन जैसा है। हमें क्या मैसेज मिलता है इससे, पेड़ लगाओ जीवन बचाओ। देखो बच्चों हमें और एक मैसेज मिलने वाला है, हरियाली में खुशहाली। आप देखो ये पेज नंबर 3 पर हमें और एक पिक्चर दिखाई दे रही है, हरियाली में खुशहाली। ये देखो एक पंछी यहाँ प्रणाम बोल रहा है, देखो फिर आप पहले क्या करो, पूरा पिक्चर ये देख लो, दिखाई दे रहा है आपको, है ना, दिखाई दे रहा है, ये सब आपको दिखाई दे रहा है ना, क्या क्या है इसमें क्या क्या नहीं, सब देखो एक बार क्या क्या है, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है ना, एक हिरन है, एक पंछी है, पेड़ पौधे हैं, एक बाघ है ना, एक मछली है, एक बदक है ना, बहुत सारे यहाँ कुछ ना कुछ हमें दिखाई दे रहे, एक मेंढक है, दिखाई दे रहे हैं ना आप सबको, तो हमें ये क्या बताना चाह रहे अभी देखते हैं। बच्चों हमें चारों तरफ क्या दिखाई दे रही है, हरियाली होने पर हमें खुशी आती है ना, खुशी होती है ना, वैसे यहाँ खुशी मिल रही है। जल में रहने वाले प्राणी के लिए जल ही क्या है, जीवन है, मछली हमें क्या बोलते हैं, जल ही
जीवन है। हमें वो पोएम पता है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। वैसली वो बता रही, जल ही क्या है, मेरा जीवन है, मतलब हम सब का वो जीवन है। हमें पानी गंदा नहीं करना चाहिए, जल स्वच्छ रखने के लिए हमें उसमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, है ना। सबको पीने के लिए पानी लगता है, पशु पक्षी हो, जानवर हो, हम हो, हम सबको पानी पीने के लिए चाहिए। वैसे ही नदी तालाब में गंदे कपड़े ना धोना चाहिए, कारखानों का पानी आता है गंदा, वो भी नदी में नहीं छोड़ना चाहिए। गंदा पानी डालने से सब गंदा हो जाएगा, किसी के लिए पीने का पानी योग्य नहीं रहेगा, वो प्राणियों के लिए भी अच्छा नहीं रहता। हमारा परिसर कैसा होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए। तो बच्चों, आज हमें इस लेसन से क्या पता चलता है, नंदनवन और हरियाली में खुशहाली। देखो, पर्यावरण संतुलन में प्राणियों का भी महत्व आपको समझना चाहिए, खाली इंसानों के लिए नहीं, ये जीवन सबके लिए है, सबको एक साथ हमें लेकर चलना है। तो बच्चों, आपको इस लेसन में क्या क्या समझा, क्या क्या अच्छा लगा, आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगी, ये आपको एक पेज पर लिख के रखना है। आपको ये चित्र देखकर ये दोनों खुश हरियाली में खुशहाली और पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ, ये दोनों पिक देखकर आपको 10 सेंटेंस बनाने हैं। क्या बनाने हैं, 10 वाक्य आपको इसके ऊपर बनाने हैं। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, हैप्पी नाइस डे।